दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप ब्लॉगर या blogger.com अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फोन या सिस्टम में वेब ब्राउजर ओपन कर लें, जैसे गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी या मोजिला, और उसमें गूगल ओपन कर वहां पर लिखें ब्लॉगर और एंटर प्रेस कर दें। यहां पर देखिए, जो सबसे पहले लिंक आ रही है blogger.com, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए blogger.com ओपन हो चुका है। टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख रहे होंगे साइन इन है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा हुआ है तो साइन इन कर लें, और आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है ब्लॉगर में तो आप क्रिएट योर ब्लॉग, ये बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें। क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है तो आपको जीमेल की ही आईडी यूज करनी पड़ेगी ब्लॉगर में अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आपने उस पर्टिकुलर ब्राउजर में जितने भी जीमेल आईडी से साइन इन कर रखा हुआ है उनमें से कोई एक अकाउंट सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं अपना ब्लॉगर में आईडी क्रिएट करने के लिए, और उस पर क्लिक कर देता हूं, और यहां पे मुझे पासवर्ड एंटर करना होगा, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। देखिए, और ये हमारा ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें ब्लॉगर कह रहा है प्रोफाइल को कंफर्म करने के लिए, यहां पर आपको एक डिस्प्ले नेम देना होगा। जब भी आप कोई नया ब्लॉग लिखेंगे वहां पर जो नाम दिखाएगा वो ये डिस्प्ले नेम होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी अभी नाम दे देता हूँ, हेलो ब्लॉगर एक नाम ले लेते हैं हम समझने के लिए, और कंटिन्यू टू ब्लॉगर पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर देखिए आपको एक बटन दिख रहा है क्रिएट न्यू ब्लॉग, इस पर टैप कर देंगे आप। यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें आपसे पूछ रहा है, टाइटल, एड्रेस और थीम। एक एक कर मैं आपको समझाता हूँ कौन सी चीज़ का क्या यूज़ है। आपको यहाँ पर टाइटल देना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई ब्लॉग करके। तो ये वो टाइटल है जो आपके ब्राउजर के एड्रेस बार पर दिखाएगा। दूसरा देखिए एड्रेस है, तो ये वो एड्रेस है जिसका यूज कर आपके यूजर्स आपके ब्लॉग को एक्सेस करेंगे, या फिर आप अपने ब्लॉग्स को शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं हेलो ब्लॉगर, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए अगर ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है तो यहाँ मैसेज दे देगा, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। मैं यहाँ पर फिर नाम बदल कर देखता हूँ, हेलो ब्लॉगर 123, फिर चेक करता हूँ कि ये नाम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए ये नाम भी ऑलरेडी यूज़ में है, तो मैं यहाँ पर कुछ और ऐड कर देता हूँ, वर्ल्ड कर देता हूँ, हेलो ब्लॉगर 123 world.blogspot.com। देखिए यहाँ पर मैसेज आया दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। ये जो आपका नाम है ब्लॉग का ये यूनिक होना चाहिए, नहीं तो आप ब्लॉग नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो थीम है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे गूगल ने हमें थीम्स दे रखी है, तो आपके ब्लॉग के हिसाब से जो आपको थीम पसंद आ रही है वो थीम आप सेलेक्ट कर लें। मैं दूसरी थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सोहो जो है, और यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग बटन है, इस पर टैप कर देता हूँ। देखिए ब्लॉगर में अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और ब्लॉगर को हमने कॉन्फिगर भी कर लिया है, और आपका ये डैशबोर्ड सामने आ गया है। देखिए यहाँ पर न्यू पोस्ट बटन है, इस पर टैप कर आप नया ब्लॉग कंपोज कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। अब हम बैक जाते हैं, यहाँ पर देखिए साइड में सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जहाँ पर आपको देखिए स्टैटिस्टिक्स हैं, कमेंट्स हैं, कितनी अर्निंग हुई आपकी, कितने पेजेस ऑलरेडी हैं, कौन सा लेआउट आपने यूज़ किया, थीम कौन सी है, सेटिंग्स कौन सी हैं, ये सब कुछ अपने ब्लॉग में आप यहाँ से कॉन्फिगर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैसेज दिखा रहा है, देयर आर नो पोस्ट, क्रिएट अ न्यू पोस्ट। आपने कोई पोस्ट पब्लिश नहीं किया, जो भी पोस्ट आप पब्लिश करेंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करता जाएगा। उम्मीद है आपको ब्लॉगर में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं समझ में आया होगा। ब्लॉगर में किसी भी समस्या के लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा कुछ नए सीखते रहने के लिए। धन्यवाद।